हेलो दोस्तों, आप सभी नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग क्रिकेट ऑफिसर में स्वागत है। मैं सतीश मिश्रा। देखिए, साउथ अफ्रीका टीम भारत आई हुई है जो 5 T20 मैचेस खेले जाने हैं और ये T20 मैचेस 9 जून से स्टार्ट हो गए। तो हम आज आप लोग सभी लोग डिस्कस करेंगे कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्या उमरान मलिक को अर्शदीप को डेब्यू कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है, क्या उनको मौका मिलने के चांसेस है या नहीं, तमाम चीजों को हम बात करेंगे। पहले देखिए आप लोग को टीम क्या है वो बता देते हैं, उसके बाद प्लेइंग 11 मैं बताऊंगा कि मेरी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है फर्स्ट मैच के लिए। जो पहला मैच T20 मैच दिल्ली में खेला जाएगा, अरुण जेटली में खेला जाएगा वो मुकाबला, तो क्या हो सकती है प्लेइंग 11। पहले हम बात करते हैं टीम क्या है T20 के लिए भारत की। तो देखिए, केएल राहुल कप्तान होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, ईशान किशन हो गए, दीपक हुड्डा हो गया, श्रेयस अय्यर हो गए, ऋषभ पंत हो गया, दिनेश कार्तिक हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, वेंकटेश अय्यर हो गए, युजवेंद्र चहल हो गए, कुलदीप यादव हो गए, अक्षर पटेल हो गए, रवि बिश्नोई हो गया, उसके बाद देखिए भूबी हो गया, हर्षल पटेल हो गए, आवेश खान हो गया, अर्शदीप सिंह हो गया और उमरान मलिक हो गए। ये तो हमारी पूरी टीम हो गई जो 18 सदस्य टीम जो अनाउंस की गई थी सिलेक्टर के द्वारा। लेकिन इसमें से प्लेइंग 11 क्या हो सकती, क्या उमरान मलिक और अर्शदीप को मौका मिल सकता है? तो देखिए, मेरे हिसाब से मौका मिलना चाहिए क्योंकि T20 वर्ल्ड कप अभी अक्टूबर में है और काफी समय है उस T20 वर्ल्ड कप के लिए, अक्टूबर के लिए 5-6 महीने बचे हुए हैं। तो उससे पहले काफी T20 मैच भारत होम पे भी खेलेगा और अवे भी खेलेगा। तो सबसे अच्छा चांस है इन्वेस्टर के यहाँ पे चेक करने का कि आपके कौन से इन्वेस्टर होंगे, कौन से प्लेयर ऐसे होंगे जो सीधे T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा उसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, यहाँ से चेक हो जाएंगे यहाँ से। तो उनको पूरा भरपूर मौका मिलना चाहिए, कम से कम 8-10 मैच तो मिलने ही चाहिए कम से कम। देखिए, आईपीएल में उमरान मलिक ने कमाल की बॉलिंग की है, अर्शदीप ने बहुत अच्छी जबरदस्त बॉलिंग की है, खासकर डेथ ओवर जिस तरह की बॉलिंग की है, चाहे उसकी कोई भी फ्रेंचाइजी होगी उनको खेल पाना आसान नहीं था उनको भी। तो देखिए, तो तमाम चीजें यहाँ पर है और पूरा मौका मिलना चाहिए। अर्शदीप को भी डेब्यू कराना चाहिए और उमरान मलिक को भी डेब्यू करा के देखना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उमरान मलिक को डेब्यू करा देंगे, अर्शदीप को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि सीरीज जीतने के बाद जो लास्ट के दो मुकाबले होंगे शायद वहां पे एक चांसेस बन जाए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस, क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम अच्छी है और भारत यहाँ हारना नहीं चाहेगा सीरीज यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ सीरीज की बात नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पे देखिए भारत ये करना चाहिए कि सब सीरीज मत देखे, सीरीज जीतना ये देखना चाहिए, अपने प्लेयर को चेक करना चाहिए। यहाँ पे उमरान मलिक कुछ देखिए आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे थोड़ी प्रेशर अलग होता है, थोड़ा प्रेशर गेम अलग होता है, डिफरेंट माहौल होता है, डिफरेंट एटमॉस्फियर होता है, तो वहां कैसा फील करते हैं और कैसा वहां परफॉर्मेंस करता है ये बड़ी इंपॉर्टेंस बात है। तो अगर मेरी राय होगी तो मैं तो चाहूंगा कि उमरान मलिक और अर्शदीप दोनों साथ निकले और देखिए लेफ्ट आर्म एक फास्ट बॉलर है, एक अलग वैरायटी देता है, एक अलग क्वालिटी देखा देता है। तो देखिए, मैं अपनी प्लेइंग बताता हूँ, आप लोग प्लेइंग 11 क्या हो सकती है पहले मैच के लिए। देखिए, केएल राहुल साथ गायकवाड़ ओपनिंग करेंगे और वहीं देखिए मैं श्रेयस अय्यर 3 ओवर खेलेंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या 4 ओवर खेलेंगे, अपनी फ्रेंचाइजी के लिए 4 ओवर पे खेलते थे। उसके बाद देखिए दीपक हुड्डा खिलाऊंगा मैं, बहुत कमाल परफॉर्मेंस किया है, पंत हो गए, कार्तिक हो गया, युजवेंद्र चहल हो गया, उमरान मलिक हो गया और देखिए हर्षल पटेल हो गया और अर्शदीप सिंह हो गया। ये हमारी टीम हो जाएगी पूरी तरह से। फिर से बता देते हैं आप लोग से, केएल राहुल हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, श्रेयस अय्यर हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया और उसके बाद दीपक हुड्डा हो गया, पंत हो गया, कार्तिक हो गया, युजवेंद्र चहल हो गया, उमरान मलिक हो गया, हर्षल पटेल हो गया और अर्शदीप सिंह हो गई। ये हमारी टीम हो गई। देखिए, मैं भूबी का ऑलरेडी चेक है, भूबी की कोई दिक्कत नहीं है, भूबी चेक है, वहीं हर्षल पटेल को हम खिलाएंगे और एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वैरायटी वाली, हार्दिक पांड्या अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे पास देखिए हर्षल पटेल हो गया, उमरान मलिक के एक पेस बॉलर हमारे पास अवेलेबल होगा, युजवेंद्र चहल जो स्पिन लेग स्पिन करा सकते हैं, उनके साथ दीपक हुड्डा भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये अच्छी तगड़ी टीम बन रही है यहाँ पे, ये जो मैं बताया हूँ। आप लोग बताइए आप लोग टीम क्या हो सकती है। देखिए, तो मुझे लगता है कि ये टीम खेलेगी तो निश्चित रूप से 5-5 मुकाबले जीतेगी और अर्शदीप को मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ इंगेस्टर पूरा मौका देना चाहिए, अर्शदीप और उमरान मलिक दोनों को मौका मिलना चाहिए, अपनी काबिलियत दिखाने की हमने इंटरनेशनल स्टेज के लिए प्रिपेयर है कि नहीं, तैयार है कि नहीं, ये पूरा मौका है देखने के लिए, क्योंकि अभी बहुत मैचेस 20-22 मैचेस बाहर T20 मैच खेलने हैं T20 वर्ल्ड कप से पहले। तो पूरा भरपूर मौका है, भरपूर मौका दीजिए अब इंगेस्टर को और चेक कीजिए यहाँ पे कि कैसा खेलते हैं, प्रेशर मैच हम कैसा लेके जाते हैं अपनी टीम को, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप आपका स्टेडियम खेला जाएगा, वहां फास्ट बॉलर का बॉल बड़ा रहेगा तो आप जानते हैं, और जितनी स्पीड से गेंद फेंकता है उसका बहुत
बड़ा इंपॉर्टेंस फैक्टर रहेगा टीम के लिए डिस्ट्रिक्ट ओर से। तो देखिए ये हमारी टीम होगी प्लेइंग 11 के लिए। सो मतलब कि अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूंगा कि कौन सी प्लेयर जीत सकती है उस दिन, तो मैंने कहा भारत आराम से जीतेगा, सीरीज जीतेगा और मैच जीतेगा आराम से। आई होप वीडियो अच्छी लगी, प्लीज सब्सक्राइब मैच, वीडियो को लाइक कर लीजिए। सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।